पिंकी चिड़िया बाजार में चाय बेचती थी। चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए वह जंगल जाकर चाय की पत्तियां तोड़ कर लाती। चाय बेचकर ही उसका घर चल पाता था। पिंकी चिड़िया टीनू मौसी के घर के ऊपर वाली डाल पर किराए पर रहती थी। एक दिन की बात है। अरे टिंकी चिड़िया, 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है, कब देगी किराया? हर रोज तेरे बहाने सुन सुनकर मैं तो थक गई। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ मौसी, आज आप यहाँ? अरे भाई, मैंने कोई धर्मशाला थोड़े ही खोल रखी है। अगर पैसे नहीं हैं तो कल मेरा घर खाली कर देना, वरना 2 महीने का किराया दे देना कल शाम को। नहीं नहीं टीनू मौसी, मैं कहाँ जाऊँगी इस बारिश में? चाय बेचकर जो कुछ कमा पाती हूँ वो घर खर्च में ही चला जाता है। आप कुछ समझो टीनू मौसी, मैं इतने रुपयों का इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे कर पाऊँगी टीनू मौसी? वो मैं नहीं जानती, तुम मेरा किराया कल शाम को दे देना, वरना यह घर खाली करके निकलो यहाँ से। टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है और टिंकी चिड़िया उदास हो जाती है। क्या करूँ, टीनू मौसी की बात भी सही है, मैंने 2 महीने से उनका किराया नहीं दिया है, पर मैं क्या करूं, जितना अभी कुछ कमा पा रही हूं सब कुछ घर खर्च में चला जा रहा है। आज मैं ज़्यादा चाय की पत्तियां तोड़ कर लाऊंगी ताकि मैं आज ज़्यादा चाय बेच सकूं और कल टीनू मौसी को किराया दे सकूं। जंगल में बारिश हो रही थी जो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होने लगी। बारिश कम हो गई है, चाय की पत्तियां लेने जाती हूँ, वरना फिर बारिश आ गई तो मैं नहीं जा पाऊंगी। टिंकी चिड़िया अपना बैग लेकर जंगल के लिए वहां से उड़ जाती है। थोड़ी दूर उड़ते ही उसकी नज़र एक छोटे आदमी की ओर जाती है जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। टिंकी चिड़िया उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है। अरे ये क्या बोनी दादा, यहाँ कैसे आए? अरे चिड़िया क्या बताऊँ, मैं कुछ फल लेने जंगल आया था, मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा एक जाल मेरे ऊपर आकर गिर गया और मैं इस पेड़ से लटक गया। शिकारी हर रोज़ यहाँ जाल लगाकर जाता है और दूसरे दिन जाल में फंसे पक्षी और जानवरों को ले जाता है। मैंने बहुत मदद मांगी पर शायद यहाँ कोई नहीं आता जो मेरी मदद कर सके। कल वो शिकारी इस जाल के पास फिर से आने वाला है, पर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, अब वो मुझे लेकर चला जाएगा। नहीं नहीं बोने दादा, मैं आपकी मदद करूँगी। पर कैसे, तुम तो बहुत छोटी हो, तुमसे ये जाल नहीं काटा जाएगा। मेरे पास एक चाकू है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। टिंकी चिड़िया बिना समय गवाए उस जाल की रस्सी को काटना शुरू कर देती है। कुछ देर काटने के बाद वह थक जाती है, तब तक रस्सी का सिर्फ आधा हिस्सा ही कटा था। शाम हो चुकी थी और बोना अब और परेशान हो जाता है। अरे चिड़िया तुम रहने दो, तुम अपनी जान बचाओ, कहीं वो शिकारी आ गया तो कहीं वो तुम्हें भी साथ ना ले जाए। तुम अपनी चाय की पत्तियां लेकर यहाँ से जाओ, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। नहीं बोने दादा, मैं फिर से कोशिश करूँगी, टिंकी चिड़िया यह कहकर फिर से रस्सी काटने लगती है। कई देर के प्रयास के बाद अब रस्सी कट जाती है और बोना बाहर आ जाता है। बोना बहुत खुश था क्योंकि वह अब आज़ाद हो चुका था और अब उसे किसी भी बात का भय नहीं था। तुमने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की है, यह लो चिड़िया, यह जादुई बीज हैं, इन्हें तुम रात के 12 बजे अपने आंगन में लगाना। सुबह जब उठोगी तो तुम्हारे आंगन में जादुई चाय की पत्तियों के पेड़ होंगे, उन्हीं से तुम चाय बनाना, फिर तुम्हें जंगल नहीं आना पड़ेगा। बोना टिंकी चिड़िया को वह बीज देकर वहां से चला जाता है। टिंकी चिड़िया वह बीज लेकर वहां से उड़ जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। तब शाम के 7 बजे थे, टिंकी चिड़िया 12 बजने का इंतज़ार करती है। क्या यह सच में जादुई बीज है? अगर यह सब झूठ हुआ तो? नहीं नहीं बोने दादा, उसे झूठ क्यों बोलेंगे? समय बीतता है और 12 बज जाते हैं। टिंकी चिड़िया उड़कर अपने आंगन में पहुंच जाती है
और वहीं वह बीज रखकर उन पर मिट्टी डाल देती है और उड़कर अपने घर जाकर सो जाती है। रात भर से जंगल में बारिश हो रही थी। सुबह हो गई थी पर बारिश लगातार आ रही थी। टिंकी चिड़िया जल्दी से अपनी टोकरी लेकर अपने आंगन में पहुंचती है। वह देखती है वहां चाय की पत्तियों के बहुत से पेड़ थे। अरे वाह, बोनी दादा ने सही कहा था, वह सच में जादुई बीज थे। देखो मेरा पूरा आंगन चाय की पत्तियों की खुशबू से भर गया है। मैं जल्द ही इन्हें तोड़ लेती हूँ ताकि चाय बेच सकूँ। टिंकी चिड़िया चाय की पत्तियों को तोड़ना शुरू करती है। जैसे ही वह एक चाय की पत्ती तोड़ती है वहाँ एक और चाय की पत्ती उग जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, यह चाय की पत्तियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। टिंकी चिड़िया बोने दादा का धन्यवाद करके चाय बेचने चली जाती है। अरे टिंकी चिड़िया, बारिश के कारण ठंड बहुत हो रही है, जल्दी से एक एक कप कड़क चाय लगा दो। गुल्लू तोता और कालू कौवा वहां पर चाय पीते हैं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कभी नहीं पी, इसे पीकर तो मजा आ गया। क्या स्वाद है, बहुत ही तरोताजा महसूस हो रहा है, एक एक कप और दे दो हमें। टिंकी चिड़िया दोनों को चाय दे देती है। शाम हो जाती है और उस दिन टिंकी चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई हो चुकी थी। टिंकी चिड़िया उड़कर टीनू मौसी के घर पहुंच जाती है। अरे मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी, क्या हुआ, खाली कर रही हो ना मेरा घर? आज अगर तुम 2 महीने के पैसे नहीं देती हो तो भाई देखो खाली कर देना घर, मैं तुम्हारी ज्यादा बहाने नहीं सुन सकती। नहीं नहीं मौसी, यह लो आपके 2 महीने का किराया और आगे से मैं पहले ही आपको किराया दे दूंगी। ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, तुम चाहे जब भी दो। चलो आज तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।